नमस्कार उदय समाचार में अपने सबके स्वागत है। हम सफर समाचार शुरू करी। नागरिकता विधेयक की कॉपी मंगाव सर्वोच्च अदालत द्वारा आदेश देल गेल मुख्य प्रश्न स राष्ट्रपति रामचंद्र कोविंद द्वारा प्रमाणीकरण कैल गेल नागरिकता विधेयक की कॉपी मंगाव सर्वोच्च अदालत आदेश देलक अछि। शुक्र दिन न्यायाधीश देव प्रकाश मान सिंह राउत आ सुषमलता माथेमाथे संयुक्त इजलास से प्रमाणीकरण के कॉपी मंगाव आदेश देल गेल अछि। सर्वोच्च राष्ट्रपति से कैल गेल प्रमाणीकरण के कॉपी मंगाव आ अंतिम आदेश देल जाय के नए संबंध में छलफल के लेल डेट 30 गते मंगल दिन के पेशी तोप आदेश देलक अछि। राष्ट्रपति रामचंद्र कोविंद से कैल गेल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधान के भावना आ मर्म विपरीत रहल कहित वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र भंडारी आ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने सर्वोच्च कार्यान्वयन लय केने कहित रिट दर्ता करौने सब। जेठ 19 गते दर्ता कैल गेल ई रिट ऊपर जेठ 21 गते न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा के एकल इजलास से अल्पकालीन अंतिम आदेश जारी करित ई एन कार्यान्वयन लय करब नै कराब कहल गेल सर। साथे अंतिम आदेश के निरंतरता के लेल सब पक्ष के छलफल में बसाऊ दे सल। रिट निवेदक सब निष्क्रिय भ चुकल विधेयक राष्ट्रपति प्रमाणीकरण के ने कहित ई कार्य संविधान विपरीत रहल जिक्र कैल गेल अछि। अत्यधिक गर्मी के कारण मध्य प्रदेश के विभिन्न जिला सब में खाने पानी के मुँह सूखल लागल बाद सर्वसाधारण सब निक के मार में पड़ल सैन। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका क्षेत्र में करीब एक तिहाई चापाकल सब सूखल बाद सर्वसाधारण सब पीबैत आयल पानी के समस्या उत्पन्न भेल अछि। खास कऽ कऽ धनुषा महतरी सिराहा सप्तरी बारा परसा आ रोहतखट जिला के उत्तरी भेग में इस समस्या अधिक देखल गेल अछि। चूड़े तथा वन जंगल के दोहन के कारण सेहो पानी के स्रोत सब सूखल लागल बताओल गेल अछि। तऽ जनकपुर धाम में 40 से 50 फीट में जरान कैल गेल चापाकल में समेत पानी एनाय आ बंद भेलाक बाद सर्वसाधारण सब थप समस्या में पड़ल सैन। लंबा समय से वर्षा नहीं भेला के कारण सेहो चापाकल सब सूखल लागल अछि। जनकपुर धाम के गंगा सागर में रहल डीप बोर्डिंग सेहो सूखल अछि। बीतल 4 दिन से ई डीप बोर्डिंग में पानी एनाय बंद भेलाक बाद एहि क्षेत्र के हजारों व्यक्ति सबके पीबे वाला पानी के समस्या भेल। अधिवक्ता राजकुमार महासेठ जानकारी देलनि। जनकपुर धाम के घना बस्ती रहल अधिकांश ठाम में चापाकल समय पानी एनाय बंद भेल अछि। तऽ एहि अवस्था रहल आगामी दिन में जनकपुर धाम में पीबे वाला पानी के थप जटिलता उत्पन्न होयत। मध्य प्रदेश सरकार जनकपुर धाम में भेल कतेको पोखर सबके पक्की घाट के निर्माण के ने कारण खाने पानी के रिचार्ज में समेत समस्या उत्पन्न भेल। वातावरण संरक्षण अभियानी सुरेश शर्मा जिक्र कलथि। राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकू में कार्यरत मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट अधिकृत छठम त के लेखनाथ भट्टराय घूस रकम सहित नियंत्रण में रहल सैन। इनका अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के टोली लैब दर्ता प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ाव सहजीकरण क देव कहित सेवाग्राही सन घूस रिश्वत मांग के नि सूचना के आधार में नियंत्रण में लेल गेल अछि। आइ भिनसर शंख मुला से 50,000 घूस रकम सहित भट्टराय के नियंत्रण में लेल गेल। अख्तियार के प्रवक्ता भोला दाहाल जानकारी दिलथि। उप प्रधान तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ कोसी प्रदेश में एमाले के नेता पर आक्रमण के लिए कानूनी कार्यवाही में आनब स्पष्ट कलन। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में गृह मंत्री श्रेष्ठ पहचान के नाम में अराजक मचाव छूट किनको नहीं रहल कहते दोषी के कानूनी कार्यवाही कैल जाय स्पष्ट कने सैन। ओ संविधान आ कानून के हाथ में लेब अराजक गतिविधि कर आ व्यक्ति नेता सबके रक्षा में चुनौती उत्पन्न केने जे कोई है हिनका एहन गतिविधि के सरकार छूट देव नहीं सकत जिक्र कलन। मंत्री श्रेष्ठ एलाम में कोसी के पूर्व मंत्री राम रान मगर के गाड़ी में पहचानबाजी कहल गेल संगे बाट में पाथर प्रहार क कब अवरोध कर खोजने देखल गेलो पर कालो मोस दलल गेल आ आरो किछ कैल गेल प्रचार सत्य नहीं रहल जिक्र कलन। तहिना उदयपुर में प्रदेश सभा के उपसभामुख सृजना दुनवार सवार रहल गाड़ी के झंडा निकाल के काज कैल गेल आ पाथर समेत प्रहार भेल हिनकर कहब रहल सल। श्रेष्ठ संबंधित दोषी सबके कानूनी दायरा में आनकर आवश्यक प्रक्रिया आगा बढ़ायल गेल जिक्र कलन। माननीय मन्त्रीज्यूलाई
सुरक्षा व्यवस्था सहित गंतव्य स्थल में पठाउने काम भयो। र प्रदेश उपसभामुख सृजना दनुवारज्यू त्यहाँको स्थानीय नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थाका बारेमा र सम्भावित आन्दोलनकारी भन्नेहरूबाट गरिएको प्रचारका बारेमा पनि जानकारी गराइएको थियो। र उपसभामुख ज्यूको निजी निवास फर्कने क्रममा डिएसपीको नेतृत्वको प्रहरीले स्कर्टिङ गरेको थियो र 9:50 बजे त्रिवार नगरपालिका 12 त्रिमणी टोल नजिक केही मोटरसाइकलमा आएका पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारी भन्ने व्यक्तिहरूले 22J3738 नम्बरको गाडीको झन्डा थुतेर फरार भएको र हो। संहिताको रक्षा कयल गेल त ऐ सम्बन्धी दृष्टिकोणके शान्तिपूर्ण बाट छ वैधानिक रूपमे स्थापित गर सकत रिकर कहब रहल सर। नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारकै नङ्गा रूप देखा परिरहल जिक्र कयलनि। शुक्रदिन काठमाडौँमै समाजवादी प्रेस संगठन नेपालकै पहिल केन्द्रीय अधिवेशन उद्घाटन गरेत अध्यक्ष नेपाल नकली शरणार्थी प्रकरण मिटर ब्याजी समस्या आ बिना पैसा कोनो काज नै होव अवस्थासँग नेपाली समाजमै भ्रष्टाचारकै नाङ्गो रूप देखा परिरहल कहित ऐके अन्त्य गर जिक्र कयलनि। ओ राजनीति के स्तर ऊपर उठावे के लिए राजनीति में देखल गेल वृतृष्णा हटावे के लिए आ अपने सब नया यात्रा प्रारंभ के ने उल्लेख कयलनि। ओ ईमानदार सबके पाछा के ने अवस्था के परिवर्तन करनाय के लिए सबके सकारात्मक भूमिका निर्वाह कर ऊपर जोर सेहो देने से अध्यक्ष नेपाल संविधान में आँच आब नहीं देव सजगतापूर्व आगा बढ़त संविधान प्रत्याभूत के ने अधिकार सबके स्थापित करित आगा बढ़ धारणा रखियत। अरूले पनि त्यसलाई ग्रहण गर्न सकुन् भनेर उत्प्रेरित गर्न सक्दछ। अवश्य सबै कुराको पछाडि सबभन्दा पहिलो कुरा राज्यले शिक्षा नीतिमा शिक्षा प्रणालीमा र संस्कार विकास गर्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यस अर्थमा राज्यले यस कुरामा चासो राखेन भने असल नागरिक निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेन भने राम्रो संस्कार हुर्काउने कुरा सोचेन भने योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढेन भने राम्रा मान्छेहरूको खडेरी देखा पर्दै जान। राष्ट्रिय अधिवेशन सह संगठनको नयाँ नेतृत्व चयन गर समाजवादी प्रेस संगठन जानकारी दिलकै छु। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत वैज्ञानिक कर प्रणालीकै कारण सह राजस्वको दायरा आउट बढत विश्वास व्यक्त कयने छन्। शुक्रदिन राष्ट्रिय सभाकै बैसालमै बजेटके छलफलके क्रममे उठल जिज्ञासा सबके जवाब दैत अर्थमन्त्री महत भ्याटके दर घटैत गेल आ छुट हरेक वर्ष बढैत गेल प्रवृत्तिके हटायल गेल आ राजस्वके दर वैज्ञानिक रूपमे प्रस्ताव कयल गेल हिनकर कहब रहल अछि। अर्थतन्त्रके सहज बनेबाक लेल बजेट चालल गेल कदमके विरुद्ध किछु स्वार्थ समूहसँ विरोधमे उतरल हिनकर कहब रहल छल। ओ करके दायरासँ स्वदेशीमे उत्पादन होइ त्याल प्याज आलू जेहन वस्तुके कोनो असर नहि पड़त आयात निरुत्साह करबाक लेल करके प्रस्ताव आनल गेल जिक्र कयलनि। विद्युतीय सवारी साधनमे कर तथा दैनिकी उपभोग्य वस्तुमे कर राजस्वमा आनल गेलमे आम नागरिकके असर नहि पड़त हिनकर सेहो कहब रहल छल। विद्युतीय सवारीमे कम क्षमताके सवारीके लेल कम दर बेसी क्षमताके लेल बेसी आ अहूसँ बेसी क्षमताके गाडीके आओर बेसी दर लागत अर्थमन्त्रीके कहब रहल छल। तहिना ओ 6% आर्थिक वृद्धि दरके लक्ष्य प्रभावकारी खर्च निजी क्षेत्रके सही तवरसँ परिचालन सँगै सम्भव रहलासँ महत्वाकांक्षी नै भेल दावी कयलथि। र ठुलो कारोबार छैन तिनीहरूलाई लाग्दैन भनेपछि अधिकांश हाम्रो आन्तरिक उत्पादन हुने त्यस्तै छ। विशाल कमर्सियल हाम्रो चाहिँ उत्पादन ठुलो भोल्युममा हुने छैन। सानो सानो कोअपरेटिभ्सहरू इन्डिभिजुअल्सहरूले यहाँ ल्याएर तरकारी बजारमा अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ मार्केटमा इम्प्याक्ट प्रभाव त्यसमा पर्छ। तर ओ संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम उपर अविश्वास गर कोनो कारण नै रहल जिक्र सेहो कयलनि। तहिना अर्थमन्त्री महत स्थानीय उद्योग व्यवसाय सबके प्रवर्धन करबाक लेल बजेट मार्फत आवश्यक सहजीकरण क
कैल जाए तर्क कने निर्वाचन आयोग आ विभिन्न राजनीतिक दल से बीच जिला निर्वाचन कार्यालय खारिज क प्रशासन कार्यालय में निर्वाचन इकाई खड़ा कर निर्णय फिर्ता लेब पर समझदारी भेल। शुक्रदिन आयोग कांग्रेस एमाले माओवादी लगायत विभिन्न 12 राजनीतिक दल सब संग केने छलफल में जिला निर्वाचन कार्यालय खारिज क इकाई खड़ा कर काज नेपाल के संविधान आ प्रचलित कानून विपरीत रहला से अके फिर्ता लेब पर समझदारी कैल गेल। छलफल के क्रम में कार्यालय खारिज कर विषय में सरकार से कोनो निर्णय भेल अ तत्काल निर्णय फिर्ता लक जिला निर्वाचन कार्यालय सब यथावत रूप में संचालन के लिए आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध कराव आयोग मार्फत सरकार के लिखी पठाव निर्णय क्या गेल। छलफल के बाद कांग्रेस सह महामंत्री जीवन परियार प्रशासन कार्यालय में निर्वाचन इकाई खड़ा कर नहीं कर कहित जिला निर्वाचन कार्यालय के छुट्टे अंक के रूप में रख पर धारणा रखलन। अना एमाले निर्वाचन विभाग के सचिव केदार कोईराला निर्वाचन कार्यालय खारिज कर सरकार के प्रस्ताव संविधान विपरीत आ आयोग के स्वायत्ता विपरीत रहल जिक्र कलन। वो निर्वाचन के कार्यकार्य के छाया बनाव नियत के साथ सरकार ई प्रस्ताव अन्य कहित सब दल के ई प्रस्ताव के विरुद्ध में सर्वसम्मत निर्णय कर पड़त जिक्र कलन। अना माओवादी केंद्र के नेता मुक्ति प्रधान कानून में नहीं रहल विषय के सरकार आगा बढ़ाव खोज रहल संगे ई स्वीकार्य नहीं है तर्क कने सायथन। हम पार्टी सरकार में छै तथापि पार्टी ले निर्वाचन आयोग का कार्यालय छुट्टे अंग को रूप में नहीं राख्नु पर्छ छुट्टे कार्यालयक रूप में स्थापना हुनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौं र मैले राखेको छु। र यो जिल्ला निर्वाचन कार्यालय लगायत देशव्यापी रूप में जुन निर्वा बरु निर्वाचनले पर्याप्त आयोग निर्वाचन आयोग को स्वायत्तता र स्वतंत्रता को विपरीत छ र यसले स्वतंत्र निर्वाचन को मान्यतालाई खण्डित गर्छ र यसले कार्यकारी को छाया निर्वाचन व्यवस्थापन र यसको प्रणालीलाई कार्यकारी को छाया बनाउने ढंग बाहिरतिर बजेट भाषणमा आयो भन्ने कुरो पनि अब आयोगको तर्फबाट चाहिँ राख्नुभयो उहाँहरूले होइन आयोगको तर्फबाट त्यसमा चाहिँ अब। छलफल के बाद निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल निर्वाचन कार्यालय खारिज क प्रशासन कार्यालय में निर्वाचन इकाई खड़ा कर काज आयोग के स्वच्छता आ स्वतंत्रता में आघात पहुँचल दल सबके बुझाई रहल जिक्र कलथ। निर्वाचन स्वतंत्र निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने जुन मोटो हो त्यसमा आघात पुग्छ यो हुनुहुन्न भनेर उहाँहरूले बकाइदा सबैले सही गरेर त्यो निर्णय गर्नुभएको छ भने अन्य चारवटा एजेन्डाहरूमा आयोगले राखेका गर्न खोजेका कुराहरूको लागि राजनीतिक दलको तर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग रहने उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निर्णय गर्नुभएको छ। भनेको के हो भने हाम्रा अना आयोग आ दल बीच निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक स्वीकृति के प्रक्रिया आगा बढ़ाव आ विदेश में रहल नेपाली नागरिक सबके मतदाता नामावली संकलन के लिए कार्य प्रारंभ कर तथा राजनीतिक दल सबके लेखा परीक्षण के संबंध में आयोग की सीधा राजनीतिक दल सब आवश्यक सहयोग पर निर्णय समेत कैल गल। समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। चालू आर्थिक वर्ष के 10 महीना में 10 खरब रुपया से बेसी विप्रेषण आप्रवाह अर्थात रेमिटेंस वितरायल। नेपाल राष्ट्र बैंक शुक्रदिन चालू आर्थिक वर्ष के 10 महीना के वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक करैत अ अवधि में 23.4% से रेमिटेंस वृद्धि होते 10.5 अरब 15 करोड़ रुपया आयल जानकारी दिलक। ऐसा पहिनका वर्ष या अवधि में ई विप्रेषण आप्रवाह 0.5% से बढ़ल सल। बैंक के अनुसार समीक्षा अवधि में अमेरिकी डॉलर में विप्रेषण आप्रवाह 13.4% से वृद्धि होत 7.70 अरब पहुँचल। ऐसे पहिने वर्ष या में आप्रवाह 1.2% से घटल सल तो समीक्षा अवधि में वैदेशिक रोजगारी के लिए अंतिम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नया लेने नेपाली के संख्या
51.4% वृद्धि सेहो भेल अछि। अहिना वैदेशिक रोजगारी के लेल पुनः श्रम स्वीकृति लेने नेपाली के संख्या समीक्षा अवधि में 3.7% वृद्धि भेल देखल गेल अछि। कालखन तोला के 1000 रुपया से घटल सोन के दाम आई 800 रुपया से बढ़ल अछि। आई सोन के दाम 1,12,500 रुपया निर्धारण कैल गेल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। तहिना आई चांदी के दाम सेहो बढ़ल अछि। तोला के 40 रुपया से बढ़ कर चांदी आई 1,455 रुपया में कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। व्यस्त टुडी समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।